कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में भी कहा गया था, थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं हमारी, ऑलमोस्ट 10 क्लासेस हो गई हैं। तो अब तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसे ही होनी चाहिए कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए और मेरी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें कोई इश्यू नहीं है। आप जैसे कि अभी भी कमेंट्स में कह रहे थे बहुत सारे के कमेंट्स ऑफ करते हैं, हम कमेंट्स ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं फिर उसका। ठीक है, जस्ट आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमारा काम है कि आपको आईटी की स्किल्स प्रोवाइड की जाए और अच्छे से अच्छे तरीके से। ठीक है, बट वो तभी पॉसिबल होगा जब आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाएगा आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था कि जब कोई टॉपिक आपको बताया जा रहा होगा, आपने फुल फोकस के साथ मेरी बात को सुनना है, और जो स्क्रीन पे आपके सामने नज़र आ रहा होगा उसको आपने देखना है। देन उस टॉपिक के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपको ये क्लियर है या नहीं। अगर मोस्टली बच्चों का मैसेज आता है कि क्लियर नहीं है, तो हम वो चीज़ अगेन आपको रिपीट कर देंगे। बट आप ऑन द टॉपिक सर ये वो अगर इस तरह से करते हैं तो दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और हमें भी फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है कि यार हम इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से, लगन से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे ऊपर से कमेंट्स कर रहे हैं। तो इस तरह प्लीज़ ना करें, तो ये अच्छी बात नहीं होती। बट अगर आपको पढ़ाने की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या तो आप कहेंगे ना कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, या जिस तरह से आप लेके चल रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो फिर समझ में आता है। ठीक है कि सर आप जो आपका पढ़ाने का वे है वो सही नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पहले वीक्स में 2 डे क्लास होती थी, हमने 3 डे कर दी ताकि जो कोर्स है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने आपको, ऐसा नहीं कि बस वर्ड के अंदर ये बता दें कि अच्छा ये होता है और फिर एक्सेल में चला गया फंक्शन इस तरह से। हमें आपको तमाम चीज़ें बहुत डिटेल्स में बतानी ताकि आगे आप किसी भी फील्ड में मूव हो तो आपको एटलीस्ट आपकी जो बेस है वो स्ट्रांग होगी, तो आगे आप काम कर सकते हैं। आज आप माशाल्लाह से बच्चों को देखते हो किस किस मकाम पर रहें, किस पोजिशन पर हैं, वो उनकी वजह ये है कि बेस उनकी स्ट्रांग की है। ठीक है, बेस स्ट्रांग आपकी हो जाएगी, फिर देन आप किसी भी फील्ड को चूज़ करेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें हमारे साथ, बस मैं तो आपको यही कहता हूँ। ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप कमेंट्स, ठीक है, आप बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। ठीक है, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमेंट्स ना करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप क्या जो फोकस हो वो आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए, अपने पास आपके पास नोट बुक होनी चाहिए जिसके अंदर आप की पॉइंट लिख सकें, जो आप काम की चीज़ें हैं वो आप लिख सकें ताकि आपको बाद में इजी रहे। ठीक है, आप कमेंट्स कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता कि आगे क्या बताया जा रहा होता है, तो जब मैं पढ़ा रहा होता तो मैं आपके कमेंट्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। और मैं चाहता हूँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो किसी बच्चे का कोई कमेंट्स ना आए, वो उसका फोकस क्या हो, स्क्रीन की तरफ हो, उसका फोकस स्क्रीन की तरफ हो ताकि वो अच्छे से समझ सके। ठीक है, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, मैं ग्रुप को कभी भी एडमिन नहीं करता, बट मैंने आपके ग्रुप को एडमिन किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्यूरीज, ऐसे मैसेज आते हैं जो नहीं करने वाले। वहाँ पर जो ग्रुप है वो बैच 5 का है। ठीक है, आपको कोर्स से रिलेटेड बैच 5 टेक्नो किड्स कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। अदर कोर्स से रिलेटेड किस लानी में एडमिशन कब हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इस तरह की पोस्ट वहाँ पर शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास सलानी का ऑफिशियल पेज है, आप उस वहाँ पर मैसेज करें, आपके पास ऑफिशियल नंबर है वहाँ पर आप मैसेज करें। यहाँ पर फिर दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, वो कहते हैं कौन सा टेस्ट, किस चीज़ का टेस्ट। ठीक है, तो प्लीज़, तो आई होप आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। ठीक है, ठीक है, करेंगे ना, कॉपरेट करेंगे ना आप हमारे साथ। अच्छा, अब ये असाइनमेंट, मेरा लैपटॉप खराब है, मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी, अब ये आप मुझे ना बताएं। ठीक है, आपको कहा है कि जैसे कि आपका थोड़ा सा आगे वर्ड हो जाएगा कंप्लीट,
तो वर्ड एक्सेल जब कंप्लीट हो जाएगा आपका एक असेसमेंट रखा जाएगा, उसके अंदर हम स्टूडेंट को एनालाइज करते हैं कि क्या स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस है। फिर इसी तरह से आगे जाके आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसके अंदर फिर हम एनालाइज करते हैं प्रोग्रेस चेक करने के लिए हमें आप असाइनमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। असाइनमेंट देने का मकसद ये होता है ताकि जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें, आपने असाइनमेंट नहीं किया मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने क्लास नहीं ली मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने क्लास को जल्दी वाइंड अप करना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास को वाइंड अप कर दें, ठीक है। आप मुझे ये बताएं जब मैं आपसे पूछूं कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो देन आप तब मुझे मैसेज करें कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अब से आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम आप लोगों के लिए आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो सच में फिर मुझे मज़ा नहीं आता पढ़ाने का। और मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सर वाजिदुल्लाह को कहा है कि अगर ये इसी तरह से करते रहें तो फिर तो मैंने उनसे माजरत कर ली कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो फिर मेरी बात भी आपको माननी होगी प्यारे बच्चों की तरह, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी मैं आपको 10 दफ़ा नहीं 100 दफ़ा बताऊंगा, बट ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। जब कोई टॉपिक हो कमेंट्स आपने बिल्कुल भी नहीं करना, कोई कमेंट्स कर रहा है उसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है, जो भी कमेंट्स कर रहा है आपने इग्नोर कर देना है। जब आपसे मैं पूछ रहा हूँ तब आप कमेंट्स करें कि हाँ भाई ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो कैसे समझ में आएगा, ये देखिए ना शुमैला फहीम कह रहे हैं अडोप कब स्टार्ट होगा, अडोप नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है। इस तरह के कमेंट जब आप करते हैं हम आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, इन कमेंट को इग्नोर भी कर सकते हैं, हम इस कमेंट को इग्नोर भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं, बट हमारा एक 5 मिनट का सेक्शन नहीं है कि हम इस कमेंट को इग्नोर कर दें। अभी आपने मैसेज किया बाद में कोई और मैसेज करेगा, ठीक है। आपको पूरा एक साइकिल बताई गई है कि सबसे पहले हम पेंट देखेंगे, पेंट के बाद वर्ड देखेंगे, वर्ड के बाद उर्दू टाइपिंग, एक्सेल, ठीक है, एक्सेल के बाद पावर पॉइंट देखेंगे, पावर पॉइंट के बाद गूगल फॉर्म देखेंगे, गूगल फॉर्म के बाद कैनवा देखेंगे, कैनवा के बाद अडोब इलस्ट्रेटर देखेंगे, अडोब इलस्ट्रेटर के बाद अडोब फोटोशॉप देखेंगे, ये तमाम चीज़ें। अब उसी सीक्वेंस से हम आगे की तरफ मूव होंगे, तो हम हर दफ़ा रिवाइज़ करते रहेंगे, रिवाइज़ करते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको बहुत प्यार से और बहुत क्लियर एक बात बता दी है, समझा दी, आप ये आप खुद अंडरस्टैंड कर लें, बताई है मैंने, समझाई है। कमेंट्स नहीं करने आपने, जब कोई चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ आपने बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं करने, आपका फोकस स्क्रीन की तरफ हो, ठीक है, आपका फुल कॉन्सेंट्रेट आप क्लास की तरफ हो। कोशिश करें जब आप क्लास ले रहे हो मोबाइल पे क्लास ना लें, आप लैपटॉप सिस्टम पे प्रॉपर बैठ के क्लास लें, ठीक है, प्रॉपर क्लास में। हम आपको भी रिकॉर्ड मींस के अगर कमेंट्स ऑफ कर दें तो लाइक दिस रिकॉर्ड वीडियो, रिकॉर्ड वीडियो आपको सेंड कर सकते, फ़ायदा नहीं है ना उसका। हम आपको लाइव क्लास दे रहे हैं, लाइव क्लास, ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होगा, थोड़ा सा सीरियस होना होगा, ठीक है। अब ये कोर्स के बाद आप बच्चे नहीं रहोगे, ठीक है, आप बच्चे नहीं रहोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, टेबल, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। किसी का कोई कमेंट्स नहीं होना चाहिए अभी जब तक मैं आपसे कोई चीज़ ना पूछूं। टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैंने आपको टेबल बहुत डिटेल्स के अंदर समझाया था, बताया था। टेबल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप एमएस वर्ड के अंदर जैसा चाहें डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, आप एमएस वर्ड में जैसा चाहें डॉक्यूमेंट का लेआउट बना सकते हैं। जितना भी आपने अभी तक काम किया था वो सब काम भी आप क्या कर सकते हैं, टेबल पर बना सकते हैं।
टेबल के बहुत बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है वो भी आपको समझाया था। जितने भी आप एमएस वर्ड के अंदर टेम्पलेट्स देखते हैं, ठीक है, वो सब 99% टेबल पर बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेबल में डॉक्यूमेंट को एडिट करना आसान होता है। ठीक, अगर हम शेप या नॉर्मल टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी फॉर्मेटिंग खराब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, टेबल के अंदर अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट का लेआउट क्रिएट किया हुआ है तो इट्स ईजी, कोई भी उसको ईजी से एडिट कर सकता है। वॉइस कम आ रही है, चले मैं थोड़ा सा लाउडली बोल लेता हूँ, वॉइस को थोड़ा सा हम इंक्रीज भी कर देते हैं ताकि आप जो कह रहे हैं कि वॉइस, तो मैंने अपनी वॉइस को भी इंक्रीज कर दिया ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, तो मैंने वॉइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप अब आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। तो टेबल स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, विंडो की प्रेस करूंगा, और मुझे बताएं वर्ड ओपन करने, तो मैं क्या करूंगा, विंडो की प्रेस करूंगा, विंडो की प्रेस की और मैंने यहाँ पर लिखा वर्ड। ठीक है, अब वर्ड 2016, जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 2016 यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये मेरे पास क्या होगा, वर्ड ओपन हो जाएगा। ये तमाम इंटरफेस आपको बताया गया था, ये तमाम इंटरफेस आपको बताया गया था। ठीक है, ये आपका डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ये जितने भी आप टेम्पलेट देख रहे हैं ये सब टेबल पर बने हुए। अगर मैं इस इनवाइस की बात करूं तो ये भी क्या आपका टेबल पर बना हुआ है। कैसे पता चला, यहाँ पर ये देखें, ठीक है, इन दोनों क्या किया हुआ है, टेबल को बॉर्डर क्या कर दिया, नो बॉर्डर कर दी। मैं ऑल बॉर्डर पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास बॉर्डर आ गया। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, अब यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ, ये देखें नो बॉर्डर। ठीक है, हमें पता है कि ये टेबल कैसे हमें पता चला, इस साइन की मदद से पता चला। दूसरा क्या, हमने क्लिक किया हमारे पास एडिशनल टैब अपेयर हो गया, इस वजह से हमें ये चीज़ पता चली। ठीक है, कि ये क्या जो ये काम हुआ है ये टेबल के अंदर हुआ है। अब दूसरी बात यहाँ पर जो समझने वाली है, मुझे ये बताएं, अगर मैं ये वाला टैक्स इनवाइस नंबर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा, ये वाला मेरा टैक्स जो योर कंपनी वाला लेफ्ट साइड पे आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से इनवाइस नंबर डिलीट कर देता हूँ तो क्या ये मेरा जो योर कंपनी वाला टैक्स है ये लेफ्ट साइड पे आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, एक मैसेज एक दफा ही करना है आपने, एक मैसेज एक दफा करना है प्लीज। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे आएगा और कुछ कह रहे नहीं आएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं आएगा और कुछ कह रहे हैं नहीं आएगा। अब आपको पता है कि आपने टेबल यूज किया हुआ है और टेबल का लेआउट आपको सामने था, तो अब अगर मैं ये टेक्स को डिलीट कर देता हूँ ना, ये देखें मैं इस टैक्स को डिलीट कर देता हूँ, मेरा ये योर कंपनी वाला टैक्स लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा, मेरा ये टैक्स लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका लेआउट ही मैंने ऐसा बनाया हुआ है। ये देखें, हमने इस लेआउट के अंदर 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं, ये देखें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ये वाला टैक्स यहाँ पर नहीं आएगा, ये वाला 3rd कॉलम का टैक्स 2nd में नहीं आएगा, 2nd वाला 1 में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें, अगर ये काम मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये देखिएगा, और अगर मैं ये काम आता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ कंट्रोल एन, एक और न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया मैंने। अब ध्यान से आपने देखना है, ठीक है, आपने ध्यान से इस चीज़ को देखना ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर लिखा डेट, ठीक है, एंटर डेट, ठीक है, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा मैंने बोल्ड कर दिया, साइज इंक्रीज कर दिया मैंने इसका, ठीक है, ये देखें इसका केस चेंज कर देता हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, टैब की प्रेस करके आगे इनवाइस नंबर लिख दिया, ठीक है, ये देखें, ठीक है, और इसी तरह से मैंने टैब की प्रेस करके यहाँ पर क्या किया, योर
कंपनी लिख दिया, ठीक है। ये देखिए, अब देखने में आपको बिल्कुल सेम नजर आएगा, देखने में आपको बिल्कुल सेम नजर आएगा, ये देखिए। लेकिन डिफरेंट क्या होगा कि जब मैं अपना टैक्स, ये वाला लेफ्ट साइड वाला टैक्स को रिमूव करूंगा, ठीक है, अब मैं लेफ्ट वाला टैक्स को रिमूव करता हूँ, ये देखिए इनवाइस नंबर, तो मेरा टैक्स क्या होगा जो राइट साइड पे है वो भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। मेरा जो टैक्स है कहाँ पर, राइट साइड पे, वो कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये देखिए, अगर यही काम हमने टेबल पे किया होता, अगर यही काम हमने टेबल पे इसको किया होता तो ये कभी भी ना ऐसा होता। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने लेआउट ही ऐसा क्रिएट किया है कि जिस कॉलम में जो टैक्स है, जिस सेल में जो टैक्स है, वो वहीं पे आएगा, उसकी जगह दूसरा कोई टैक्स नहीं आएगा जब तक हम सेल को मर्ज ना कर दे। जब तक हम सेल को मर्ज ना कर दे तब तक वो टैक्स आपका दूसरे कॉलम में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, जूम कर दिया, आपको दिया था असाइनमेंट, ऐसे ही है, आपको जो दिया था असाइनमेंट उसके ऊपर हम आते हैं। अगर आप चीजें सही से समझेंगे तो इजी से आप असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट देने का मकसद ये होता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ताकि आपको आइडिया हो कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं क्या वो आपको क्लियर भी हैं या नहीं, ठीक है, क्या वो आपको क्लियर है या नहीं। तो चीज़ों का अगर आप सही से समझोगे तो आई होप, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत चीज़ें, सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब जितने भी ये असाइनमेंट आपको दिए थे ये आप बना सकते हैं, ये सब टेबल के ऊपर बनेंगे, ये सब टेबल के ऊपर बनेंगे, ठीक है। कौन सा इसके अंदर से कौन सा असाइनमेंट आपको बना के दिखाऊं जल्दी से, जस्ट मैं लेआउट बनाऊंगा, टाइप कुछ नहीं करूंगा, जस्ट लेआउट बनाऊंगा, जो आप कहेंगे वो वाला इसमें से आपको असाइनमेंट। चार बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट करवाया यार, मुझे बताएं इसमें से कौन सा आपको लेआउट बना के दूं। सब फोर वाला कहेंगे कोई ऐसा इश्यू नहीं, हम फोर वाला बना देंगे, वन वाला, फोर वाला, चले ये। अच्छा मुझे बताएं, रोज और कॉलम हमें कितने लेने होंगे इसमें, क्योंकि मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है। हम जहां से डाउनलोड कर लेते हैं जो आपको दिया गया था वो हमें यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। ये दिया था, ठीक है, और मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अच्छा जी, अब मुझे बताएं हमें कितने रोज और कॉलम लेने होंगे इस काम के लिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, एटीन कॉलम लेने होंगे और रोज कितनी लेनी होंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन, ठीक है। हम अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं, कंट्रोल एन किया मैंने, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, ओहो इंसर्ट टेबल, और यहाँ पर इंसर्ट टेबल, और मैंने कहा 18 कॉलम्स,
और रोज कितनी थी? 7, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको ओके कर दिया। साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको नजर आ सके। अच्छा जी, जूम भी कर देता हूँ, ये दे। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर इमेज में देखें, तो यहाँ पर ये क्या आपकी रो मर्ज हुई है। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज कहाँ से करेंगे, आप लेआउट के टैब में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप मर्ज सेल कर देंगे। मर्ज सेल क्या करता है, मर्ज द सेलेक्टेड सेल इनटू वन सेल, ठीक है, मर्ज द सेलेक्टेड सेल इनटू वन सेल, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर टू मीन्स के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमें कितने 10 सेल को, 10 कॉलम को मर्ज करना है सेकंड से। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये दो है आपके, ठीक है, ये देखो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने क्या कर दिया, मर्ज सेल कर दिया। ओके हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास, अब इसके बीच में क्या है, स्पेस है, इसके बीच में क्या है, स्पेस है। तो स्पेस कैसे आएगा, आपको बताया था सेल मार्जिन। मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, सेल मार्जिन पे आता हूँ और मैंने अलाउ स्पेसिंग बिटवीन, और मैंने सब पे यही कर देता हूँ 0.1 की स्पेसिंग। ओके किया, ये देखिए आ गया। अब मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर बॉर्डर नहीं आ रहे, आउटसाइड बॉर्डर नहीं आ रहे, तो मैंने क्या किया, इस टेबल को सिलेक्ट किया, ठीक है, डिज़ाइन के टाइम में आता हूँ, बॉर्डर्स पे आता हूँ, बॉर्डर पे आने के बाद बॉर्डर एंड शेडिंग, और यहाँ से मैं आके क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर को रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं नन करूँगा तो वो सब तरफ से रिमूव कर देगा, ठीक है, वो क्या करेगा, सब तरफ से रिमूव कर देगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, आप बाहर यहाँ से क्लिक करके भी इसको रिमूव कर सकते हैं, आपको बताया था, ये देखें, ठीक है, ये देखें आपके पास। और इसको आपने क्या किया, इस सेल को क्लिक किया और यहाँ पर आपने कर दिया नो बॉर्डर, इसको क्लिक किया और आपने कर दिया इसको नो बॉर्डर। कितना टाइम लगा जी, मुझे बताएं कितना टाइम लगा प्रायोरिटी टेबल बनाने में। बेटा ये बार बार तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं रफीक, ये ना हो कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए। जहरीन रफीक, आपके पास एक मैसेज 10 सफा से ज्यादा आ चुका है। कब पॉसिबल होगा, कब कैसे सर, हमें तो बनाते वक्त हमें तो क्या कहते हैं, देख के ही हमें इतना वो हम चले गए थे कि ये बनेगा कैसे। कोई ऐसा इशू नहीं, जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वही तमाम चीज़ें यूज़ होंगी, बट कैसे यूज़ होंगी, जब उन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। आपको अगर चीज़ के बारे में नहीं पता, इट्स मींस के सेल कैसे मर्ज करते हैं, जो हमारे पास टेबल में बॉर्डर्स आ रहे हैं उसका बॉर्डर का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर को नो बॉर्डर कैसे कर सकते हैं, बॉर्डर कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, जब तक आपको ये तमाम चीज़ें नहीं पता होंगी कि कहाँ से कर सकते हैं, तो आप काम नहीं कर सकते फिर, ठीक है, आप काम नहीं कर सकते फिर। अब जैसा चाहें हम टेबल के थ्रू लेआउट बना सकते हैं, जो चीज आपको बताई जाती है उसको बहुत अच्छे से आप समझा करें ताकि आप को समझ में आए, ठीक है। देन टेबल के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, टेबल के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, एक रो में नहीं आ रहे, क्या मतलब। यहां पर हमारे पास टेबल, अगर मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तो मुझे कौन सा एक रो में टेबल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 लिखोगे, शिफ्ट एंटर एच कर दोगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये देखें मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका थोड़ा सा साइज कम कर देंगे। अब थोड़ा सा आपने अपना माइंड भी तो यूज़ करना है। इसकी अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दी, मैंने यहाँ पर 1 लिखा, ठीक है, शिफ्ट एंटर किया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एच लिख दिया। ये देखें, अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है, मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल, ये देखें, ठीक है। अब इसको मैं यहां से भी कर सकता हूँ लेआउट से, ये देखें, देख रहे हैं आप, एज को आपने बड़ा करना है, एज को आप बड़ा कर दें, वो आपके ऊपर है, ये देखें, ठीक है, ये देखें। एक सेल पे आप लिखें ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या साइज चाहिए, उस साइज से फिर आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उस फिर साइज से आप उसको सेट कर सकते हैं।
आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें और यहीं पे आके एक दफ़ा साइज़ दे दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक दफ़ा साइज़ देंगे तो देन तब भी आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले का साइज़ हमने कम रखा हुआ है, नीचे वाले का ज़्यादा रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें, वरना हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इन सब का हमने 11 रखा हुआ साइज, या आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। और यहां से आप इसकी स्पेसिंग को खत्म कर सकते हैं। ज्यादा खत्म कर दिया हमने, तो ये देखें, सेल पैडिंग आपके पास, यहां पर सेल पैडिंग का नाम नहीं है, यहां पर जो नाम है वो सेल मार्जिन का नाम है, यहां पर सेल मार्जिन का नाम है, सेल पैडिंग का नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या सेल मार्जिन कहाँ से, लेआउट में। अब जितना भी आपने सेल का मार्जिन देना है वो आप दे सकते हैं, कैसे देना है आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सेल मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अलाउ स्पेस बिटवीन सेल, ठीक है। और टॉप पे भी मैंने कह दिया, टॉप पे भी मैंने कह दिया 0.01, बॉटम पर भी मैंने कह दिया 0.01, लेफ्ट साइड पर भी मैंने कह दिया 0.01, राइट साइड पर भी मैंने कह दिया 0.01। तो आप यहां से क्या करते हैं, सेल का मार्जिन, ठीक है। तो अब जब आपको यहां पर पता होगा तो आगे भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जी क्लियर, समझ में आया सर। कलर, कलर क्या, जिस तरह से आपने पैराग्राफ को कलर दिया था शेडिंग की मदद से, शेडिंग की मदद से आप बैग पे कोई भी पैराग्राफ के बैग पे कलर देना है, क्या कहते हैं, टेबल के बैग पे कलर देना है, तो उसके लिए हम शेडिंग यूज करते हैं, ठीक है। सेल के अंदर कलर करना है तो इट्स मीन्स कि हमें क्या करना होगा, शेडिंग यूज करना होगा। सर कलर, कलर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मुझे सब पे सेम कलर करना है या इस रो के ऊपर कलर करना है, तो मैंने इस रो को सिलेक्ट किया। डिजाइन के टैब में आऊंगा क्योंकि कलर करना है, यहां पर शेडिंग और ये देखिए कलर, जो भी आपने कलर करना है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर का ब्लू कलर आ रहा है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर आते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग, ठीक है, और आपने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, जो भी कलर आपने देना है वो आपने कलर दे दिया यहाँ पर, और यहां से बाहर से बॉर्डर को हटा दिया, ओके किया, ये देखिए इसको सिलेक्ट किया, आपने क्या किया, नो बॉर्डर कर दिया, और इसको भी आपने नो बॉर्डर कर दिया, ये देखिए। तो ये वही तमाम चीजें जब आप काम करेंगे, जब आप काम नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कौन सी चीज कहां से सेट होगी। तो हम एक चीज को 10 दफा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल लॉजिक वाली बात नहीं है, हम बाकी चीजें भी देखनी है, बट इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपका फोकस होगा तो आपको वन टाइम नहीं तो सेकंड टाइम समझ में आ जाएगा। बट ये टेबल हम 3 से 4 टाइम देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। रिपीट करने का मकसद ये होता है कि सब उस चीजों को समझ सके, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम क्या करें, 10 दफा 20 दफा कर समझाएंगे तो जो जिनको समझ में आ रहा है वो थोड़े से बोर हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, उनको फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से हमें दोनों साइड्स को इक्वल रख के चलना होगा, दोनों साइड्स को हमें क्या करना होगा, इक्वल रख के चलना होगा। अगर हम इसी तरह से क्या कहते हैं, एक एक चीज को 10-10 दफा रिपीट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम होगी डेफिनेट, ठीक है। तो हमने टेबल 4 टाइम देख लिया, अब टेबल के अंदर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये तमाम चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। जब
तक आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप अपना स्कूल का टाइम टेबल होता है, डेट शीट आपकी होती है, आप टाइम टेबल या डेट शीट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, समझ में आएगा किस तरह से बनती है। ऊपर हमारे पास वो लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो हमने लिखना है, कैसे लिख सकते हैं वो भी हम आ जाते हैं। हमने ये लिखना है ऐसे ही है, तो ये देखें मैं अपने टेबल को थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट, ठीक है, अब बोल्ड कर दिया इसको कंट्रोल बी, ठीक है, बोल्ड कर दिया, साइज इसका इंक्रीज कर दिया, इसको कंट्रोल ई सेंटर कर दिया, इसका कलर मैंने क्या कर दिया चेंज कर दिया। अब एक चीज यहां पर समझना, क्या शेडिंग में आया और इसका कलर मैंने येलो कलर। अब एक चीज, अगर मैं टेबल को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ ना तो ये एक लिमिट तक ऊपर आएगा, उससे ज्यादा ऊपर नहीं आएगा, ये देख रहे हैं एक लिमिट तक आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा, ये देख रहे हैं आप, एक लिमिट तक आएगा, उससे ऊपर ये बिल्कुल साथ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये देखें, ठीक है, देख रहे हैं ये इतना आ रहा है, देख रहे हैं इस साइड पे, ये देखें। फिर ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं, अब ये देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल सेम टू सेम ये चीज बना सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर ये देखें मैंने क्या किया, एक यहाँ पर रो लेआउट पे आया, इंसर्ट मैंने क्या किया, अबव मेरे पास एक रो आ गई, ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको हम बॉर्डर को पहले बॉर्डर ले आते हैं ताकि हमारे पास काम करना आसान हो जाए, ये देखें बॉर्डर आ गया, और इन सेल को मैंने क्या किया सेलेक्ट किया, लेआउट पे आया और मैंने क्या किया मर्ज सेल कर दिया, ठीक है, मर्ज सेल करने के बाद डिजाइन पे गया और इसका कलर मैंने कर दिया येलो, और मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने साइज को इंक्रीज किया, बोल्ड किया, ये देखें, ओके। अच्छा अब सर आपके तो पास तो यहां पर बॉर्डर आ रहा है, ऐसे ही है सर आपके पास तो यहां पर बॉर्डर आ रहा है, बट यहां पर बॉर्डर नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया इस पार्टिकुलर इसका मैंने बॉर्डर को क्या कर दिया, नो बॉर्डर कर दिया, ये देखें, ओहो नो बॉर्डर, ठीक है, इसने साइडों पे अभी आ रहा है, हम बॉर्डर्स में जाएंगे, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आउटसाइड बॉर्डर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया बॉर्डर एंड शेडिंग, तो इसके बॉर्डर को मैंने क्या कर दिया खत्म कर दिया, ये देखें, ओहो यहाँ पर ये कौन सा बॉर्डर आ रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। अच्छा ये नीचे से हमारे पास बॉर्डर, ये नीचे वाला बॉर्डर ऊपर दे रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम हो रही है।
कुछ कुछ यहां पर हमने मिस्टेक कर दी। चले तो ये सब चीजें जब आपको ये समझ में आएंगी तो आप इजी से काम कर सकते हैं, आप इजी से क्या काम कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, जब तक आपको ये तमाम चीजें समझ में नहीं आती तब तक आपको काम करने में प्रॉब्लम होगी, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, मुझे जल्दी से बताएं पिक्चर में किसी को कोई इशू? पिक्चर में पिक्चर भी हमने लास्ट टाइम देखी थी। ठीक है, पिक्चर भी हमने लास्ट टाइम देखी थी, पिक्चर के अंदर किसी को कोई इशू? पिक्चर लास्ट टाइम हमने पिक्चर के ऊपर काम किया था, पिक्चर में कोई अगर पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना हमने देखा था, पिक्चर का कलर चेंज करना हमने देखा था, ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। जी में आएंगे अक्सर, आप देखते हैं अपनी सीवीज के अंदर वहां पर क्या होता है, पिक्चर्स वगैरह लगी होती है, आप अपने बुक्स में देखते हैं वहां पर भी आपके पास पिक्चर्स होती है। एमएस वर्ड के अंदर हम पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर के साइज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पिक्चर को किस तरह से क्रॉप कर सकते हैं, पिक्चर को किस तरह से शेप में क्रॉप कर सकते हैं, किस तरह से पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, किस तरह से पिक्चर को फ्लिप कर सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी भी थी। तो जल्दी से हम एक दफ़ा आपको बता देते हैं, हर क्लास में ऐसा नहीं होगा अगर आपको लगता है, क्योंकि ये चीज़ें जो आप पूछते हो इसमें 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली होती। ठीक है, तो भाई जब आपके पास इतना टाइम नहीं तो हमारे पास इतना टाइम कैसे हो सकता है, आप ये सोचें। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो आज ये तमाम चीज़ें आपको रिपीट करी जा रही हैं, देन रिपीट की जाएंगी जब आप क्लास, जैसे आपकी क्लास को आपको लेक्चर एक दिया कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आपको रिवाइज कर दी। इस तरह से नहीं होगा कि एक चीज़ को पांच दफ़ा आपको करके दिखाया जाए, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो शेयर स्क्रीन करता हूँ, मैं पिक्चर पे आता हूँ, और पिक्चर पे आने के बाद मैंने इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पर आपका टू ऑप्शन आ रहे हैं, पिक्चर का और ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर इट्स लाइक कि आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करते हैं क्या, ऑनलाइन पिक्चर कोई भी अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा था उस टाइम भी आपने देखा था, तो मैं इसको क्या करता हूँ पिक्चर पे आता हूँ, और पिक्चर पे आने के बाद डेस्कटॉप, और मेरे पास यहाँ पर एक पिक्चर आ रही है ये वाली। ठीक है, अब ये पिक्चर जब आपके पास आप इंसर्ट करेंगे तो आपके पास एडिशनल टैब अपेयर होगा, आपके पास क्या होगा एडिशनल टैब अपेयर होगा। ठीक है, पिक्चर टूल का फॉर्मेट के नाम से, फॉर्मेट के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं, पिक्चर का साइज चेंज कर सकते हैं, पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आप क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है और यहाँ पर क्या क्लास 11 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हम यहाँ पर 12 क्लास लिख सकते हैं? क्या यहाँ पर 12 क्लास लिख सकते हैं, मुझे बताएं। जी, ये जो काम हुआ हुआ है ना, ये आप एमएस वर्ड पे भी कर सकते हैं, जो आप ये पिक्चर आपने देखी ये काम आप एमएस वर्ड पर भी कर सकते हैं। तो मुझे काइंडली प्लीज आप मुझे बताएं कि जी अगर मेरे पास यहाँ पर 11 क्लास 11 लिखा हुआ रहा है, अगर मैं क्लास 12 लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, काम कर सकता हूँ एमएस वर्ड में? आपके मैसेज नहीं आ रहे, जल्दी से आप मैसेज करें।
जी आप लोगों के मैसेज नहीं आ रहे मेरे पास। जी सर कर सकते हैं आप बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं कर सकते। लेकिन क्या अभी नहीं मैं कर सकता? मींस कि आप नहीं कर सकते अभी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी वो चीज आपने पढ़ी ही नहीं जिसके थ्रू ये आप काम कर सके। वो चीज अभी तक हमने नहीं पढ़ी जिसके थ्रू हम ये काम कर सके, वरना जब आप एमएस वर्ड पढ़ लेंगे ठीक है तो तब आप ये काम कर सकते हैं। आपके लिए वो काम करना पॉसिबल होगा, जैसे कि अभी मैंने कहा है कि क्लास 11 आ रहा है, क्लास 12 करने वहां पर, तो वो काम हम एमएस वर्ड में बहुत इजी से कर सकते हैं जब आएंगी चीजें। तो डिसीजन कब आप ले सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज कब किससे होती है? जब आप तमाम चीजें सीख लेंगे और जब आपने प्रैक्टिस की होगी। तो हम आगे मूव होते हैं। तो ये मेरे पास पिक्चर है ठीक है, तो आपको बताया था कि जैसे ही आप वर्ड के अंदर पिक्चर इंसर्ट करते हो तो आपकी पिक्चर लॉक होती है, आपकी पिक्चर लॉक होती है ठीक है। आप अपनी पिक्चर का साइज, तो मैं इसको कर देता हूँ, मैं अपनी पिक्चर को मूव नहीं कर सकता। ये देखिए मैं अपनी पिक्चर को मूव नहीं कर सकता। अगर मुझे अपनी पिक्चर को बिल्कुल फ्री मूव, फ्री हैंड करना है कि मैं जहाँ पर इसको क्लिक करके ड्रैग करूँ तो मेरी पिक्चर क्या हो जाए, मूव हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास राइट साइड पे लेआउट ऑप्शन आ जाता है। मेरे पास यहाँ पर लेआउट ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही मैं यहाँ पर लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास दो सेक्शन बने हुए आ रहे हैं, इन लाइन विद टेक्स्ट और विद टेक्स्ट रैपिंग ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट जो आपका ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होता है वो होता है इन लाइन विद टेक्स्ट। जो आपका बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होता है वो होता है इन लाइन विद टेक्स्ट। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, सेकेंड वाले के अंदर डिफरेंट आपके वैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं काम के मुताबिक ठीक है। तो आप माउस ओवर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि जो ये लाइंस आपके पास आ रही हैं तो इट्स मींस कि ये आपके टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही होता है, और ये आप हाफ सर्कल देख रहे हो तो ये आपके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाइक दिस पिक्चर शेप ठीक है, पिक्चर शेप। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब मैं जैसे ही जहाँ चाहूँ अपने पेज को, मीन्स को पेज को कह रहा हूँ, पिक्चर को मूव कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप, जहाँ चाहूँ अच्छा साइज इंक्रीज करने में साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। रिमूव बैकग्राउंड, इसके अंदर हम रिमूव क्या करेंगे बैकग्राउंड, क्योंकि ये ऑलरेडी रिमूव है ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है करेक्शंस ठीक है। करेक्शन के अंदर आप ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह, शार्पनेस वगैरह को चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास कोई ओल्ड पिक्चर होती है तो हम क्या करते हैं उसकी शार्पनेस, ब्राइटनेस को कम करके उस पिक्चर को देख लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर भी वही तमाम चीज़ें, ये देखें आप अपनी पिक्चर को, मैं थोड़ा सा इसको राइट साइड पे कर दे ताकि आपको उसके चेंजिंग नज़र आए। ये देखें, देख रहे हैं आप, जैसे आप कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं, पिक्चर कैप्चर करने के बाद उसकी ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करते हैं, तो वही तमाम चीज़ें यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये देखें ठीक है, वो आपको बता भी रहा है ब्राइटनेस आपकी 40%, कंट्रास्ट आपका 40%। इसी तरह से वो कह रहा है ब्राइटनेस यहाँ पर 20% है, कंट्रास्ट आपका 40, यहाँ पर वो कह रहा है ब्राइटनेस 0 है, कंट्रास्ट 40, यहाँ पर वो कह रहा है आपका जो ब्राइटनेस है वो -20 और कंट्रास्ट आपका 40%। तो ये -40% आपकी ब्राइटनेस है और 40% क्या है आपका कंट्रास्ट है। तो आप यहाँ से जो भी आपने लेना है ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। वो आप ऑप्शन क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कलर, कलर का भी आपको बताया था, चेंज द कलर ऑफ द पिक्चर टू इम्प्रूव क्वालिटी टू मैच डॉक्यूमेंट कंटेंट ठीक है। चेंज द कलर ऑफ द पिक्चर टू इम्प्रूव ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अक्सर कलर्स बुक्स के अंदर आपने देखा होगा कि जिस कलर की हमारे पास जिस कलर का टेक्स्ट होता है उसी कलर की पिक्चर भी आपके पास शो हो रही होती है। तो वो काम किस तरह से होता है, वो काम इसी तरह से होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके, मैंने अपनी पिक्चर को क्या किया, रिमूव किया और मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर दिया रैंडम ठीक है। ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, ये देखें
फॉर एग्जाम्पल मेरे टेक्स्ट का कलर जो है वो मैंने यहाँ पर येलो रखा हुआ है, देख रहे हो। मैं जी यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करनी, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इंसर्ट पिक्चर, ठीक है ये देखिए। ओके अब मैं पिक्चर को यहाँ से लेआउट ऑप्शन में जाता हूँ, स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं अपनी पिक्चर को क्या कर सकूँ, अपनी तरफ से मूव कर सकूँ, ये देखें। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पिक्चर का कलर, जिस कलर का मेरे पास टेक्स्ट है इसी कलर की मुझे पिक्चर चाहिए, तो पिक्चर तो हमारे पास कलर ये है, तो हम क्या करते हैं सिंपल सा कलर पे आके जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये सेम कलर चाहिए, आप यहाँ पर पिक्चर पे क्लिक करेंगे, कलर्स पे आएंगे, कलर पे आने के बाद आपके पास यहाँ पर मोर वेरिएशंस हैं, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें तो आप ये देख सकते हैं, तो ये सब काम है। तो देखो कितना अच्छा हो गया हमारा डॉक्यूमेंट। तो इस तरह की एक्टिविटी आप भी कर सकते हो, इस तरह की एक्टिविटी आप भी कर सकते हो। वो कब कर सकते हो? जब आपको चीज़ों के बारे में पता होगा। जब आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आपके आपको काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आपको काम करना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। अच्छा जिस तरह से हमने कलर चेंज किया है, मैं वापस ले आता हूँ कलर को, इंसर्ट पे आता हूँ। ओहो अब यहाँ पर फॉर्मेट पिक्चर से रिलेटेड जो भी आपने काम करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट के टैब में आता हूँ। फॉर्मेट के टैब में आने के बाद यहाँ पर मेरे पास इफेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से आप अपनी पिक्चर को डिफरेंट इफेक्ट्स में कर सकते हैं वो ही तमाम चीजें यहां से भी आप कर सकते हैं। देखिए देख रहे हैं, आपका ये फॉर्मेट कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर का इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रीसेंट पिक्चर कर दूंगा, जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की होगी वो तमाम फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। वो क्या करेगा, आपकी पिक्चर को रीसेट कर देगा, वो आपकी पिक्चर को क्या करेगा, रीसेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एडजस्ट का, हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास पिक्चर स्टाइल का आ जाता है ग्रुप। पिक्चर स्टाइल के अंदर सबसे पहले आपके सारे फ्रेम्स, ठीक है, इनमें से आप कोई भी फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट आपके फ्रेम्स आ रहे हैं, जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आपको बता भी रहा है रिफ्लेक्टेड, ठीक है, राइट साइड पे, ये देखें जो भी आपने यूज़ करना है। कुछ के ऊपर बॉर्डर्स आ रहे हैं, कुछ के ऊपर बॉर्डर्स नहीं आ रहे। आप फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेना है और बॉर्डर नहीं चाहिए आपको, आप इसका बॉर्डर नो बॉर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला ले लिया, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक राउंड के अंदर भी, कोई होगा ऐसा जिसका ये देखें आउटलाइन नहीं आ रही इसकी। आप यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर पे आते हैं, आज नो आउटलाइन आ रही, आप यहाँ पर ये देखो ब्लैक आउटलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने इसके आउटलाइन देनी है वो आप दे सकते हैं, वेट इसके आप इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो ये देखें हल्की सी आपके पास आउटलाइन आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से पिक्चर का आपने इफेक्ट चेंज करना है। आप पिक्चर का इफेक्ट जिस तरह से आपने फोन का इफेक्ट देखा था, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं,
आप पिक्चर का शेडो चेंज करना है शेडो चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन चेंज करना है आप रिफ्लेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें वही जो आपको हमने क्या फॉन्ट में बताई थी, फॉन्ट को जो आप काम कर सकते हो, इफेक्ट्स वगैरह दे सकते हो, वो आप पिक्चर को भी दे पाएंगे, वो काम आप शेप में भी कर पाएंगे। शेडो देना आपको बताया था, शेडो की सेटिंग करना आपको बताया था, शेडो का कलर चेंज करना आपको बताया था, रिफ्लेक्शन आपको बताया था, रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस वगैरह कम ज़्यादा करना, ब्लर करना, ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। वो सब चीज़ें हम पिक्चर में भी काम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम जो हमने फॉन्ट के ऊपर अप्लाई करके देखी थी वो हम पिक्चर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन आपके पास आ जाता है, पोजीशन के अंदर हमारे पास ये टॉप पेज के टॉप लेफ्ट पे हमारे पास पिक्चर ले जाएगा। ठीक है, राइट साइड पे चाहिए तो राइट साइड, ये आपको पोजीशन का बताया हुआ है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं ये आपके पास क्या लाइंस, जैसे कि आपको बता दिया हुआ लाइंस का ये काम है, तो इट्स मीन्स कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लाइंस क्या है, आपके टेक्स्ट हैं और जो आप पिक्चर देख रहे हो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करेगा, पेज के टॉप लेफ्ट के ऊपर आपको क्या करेगा, पिक्चर आपको सेट कर देगा। ठीक है, तो आप वो तमाम चीज़ें सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपके पास अरेंज का जो ग्रुप है ये आपको बताया था हम शेप में देखेंगे। ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड सिलेक्शन पैन, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, शेप में देखेंगे। अलाइन रोटेट, अच्छा यहाँ पर आपके पास रोटेट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री पे करना है, ये देखें अब ये पिक्चर हमारे पास आ रही है इस तरह से। मैं इसको फ्लिप भी कर सकता हूँ, फ्लिप करूँगा तो क्या होगा, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये आपकी पिक्चर क्या हो गई, फ्लिप हो गई। ये फ्लिप रोटेट हमने पेंट के अंदर बहुत डिटेल्स में देखी थी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आप देखें। मैं यहाँ पर आता हूँ, रीसेट पिक्चर करता हूँ, जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की होगी वो तमाम फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको अगेन सेट कर देता हूँ। अब इसी तरह से आपके पास ऑप्शन आता है क्रॉप का, क्रॉप में आप आते हैं, आप अपनी पिक्चर को, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या नीचे से ये नहीं दिखाना, क्लास विल बी स्टार्ट, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्रॉप पर आऊँगा और यहाँ से आने के बाद इसको रिमूव कर दिया। ये देखें ये क्या करेगा, उस पार्ट को जो आपके पास ग्रे स्केल में आ रहा है उस पार्ट को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ये देखें जिस तरह से आप अपनी पिक्चर को क्रॉप करते हैं, जिस तरह से आप अपनी पिक्चर को क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं, वैसे ही यहां पर ये आपको क्या करेगा, क्रॉप करके दे देगा। ठीक है, क्या करेगा, क्रॉप करके दे देगा। अच्छा, आप अपनी पिक्चर को, मैं आता हूं रीसेट करता हूं, तो वो रीसेट कर देगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप अपनी शेप को किसी, क्या कहते हैं, अपनी पिक्चर को किसी शेप में भी क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट आपके शेप्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आपको सर्कल में इसको क्रॉप करना है, ये देखें सर्कल में क्रॉप हो जाएगा। आपको इसको किसी और चीज़ में क्रॉप करना है, जो भी चीज़ इस तरह से आपको क्रॉप करना है आप इस तरह से इसको क्रॉप कर सकते हैं। इसको आपको किसी दूसरी शेप में क्रॉप करना है, ये देखें एरो में आप क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने किसी हार्ट में क्रॉप करना है, ये देखें, तो इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई करते हुए काम इजी से कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर पिक्चर को, यहाँ पर आप आते हैं एक्सपेक्ट रेशियो, फिल फिल और फिट आपके साथ है, फिल के अंदर क्या करता है, वो कहता है रिसाइज द पिक्चर सो डैट डैट इंटायर पिक्चर आर फिल। तो यहाँ पर आप आके अपनी पिक्चर को जिस तरह से फिल करना चाहते हैं वो आप फिल करवा सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये देखें, तो आप अपनी पिक्चर को क्या कर सकते हैं, फिल करवा सकते हैं। अगेन क्लिक किया, फॉर्मेट पे आया, क्रॉप पे आया, ये देखें मैंने इसको फिट कर दिया,
वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या कर देगा, आपकी पिक्चर को फिट कर देगा। ओके जी, क्लियर। साइज को आपने करना है, आप साइज इसका यहां से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, देन यहां से भी आप पिक्चर का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मुझे किसी शेप में नहीं इसको चाहिए क्रॉप करना, ठीक है, तो मैं यहां से इसको रीसेट पिक्चर कर दिया, ये देखें, ठीक है। तो ये सब चीजें जी समझ में आया। आपको जब पता होगा कि हम पिक्चर के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास पिक्चर से रिलेटेड, देन फिर ही आप काम कर सकते हैं। चीजों के बारे में जब आपको पता होगा तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि घर पे आपको पता है कि आपके इस कबर्ड के अंदर ये चीज पड़ी हुई है, और आप बता भी सकते हो हाँ भाई ये चीज यहाँ पर पड़ी हुई है। अब जब आपको पता ही नहीं है कि ये यहाँ पर क्या चीज है, तो आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे। तो चीजों को आपने समझना है, कौन सी चीज कहाँ पर है और कौन सी चीज के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, देन फिर आप इजी से काम परफॉर्म कर पाते हैं। वरना काम तो वैसे भी आप कर लेते, फिर क्या होता है कि आप इधर देखते हैं उधर देखते हैं, फिर आप वो ट्राई करते हैं, अच्छा इससे नहीं हुआ चलो इससे देख लेते हैं, इससे नहीं हुआ तो इससे देख लेते हैं, इससे नहीं हुआ तो इस ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इस तरह से फिर हम क्या काम कर रहे होते हैं। अभी तो हम क्या थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें देख रहे हैं, जब आप तमाम चीज़ें देख लेते हैं तो फिर उस टाइम हमें कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वो बॉर्डर का थोड़ा सा आ रहा था, क्योंकि एक आधी चीज़ नहीं पड़ी इससे नहीं सेट हुआ, हम उसको उस तरह से सेट कर लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। जी तो मुझे बताएं यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तमाम चीजें। जी मुझे बताएं यहां तक कोई चीज समझ में ना आई हो। आप जल्दी से मुझे बताएं यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो। चलें, काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आएंगे सर यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि क्लियर है, जब तक हम क्या करते हैं आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस करें और चीज़ों को यूज़ करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। अब हम आगे चलते हैं शेप्स। जिस तरह टेबल मैंने आपको कहा था बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से शेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेप अगर आपको ये टेबल शेप शेप अगर आपको समझ में आ गया शेप तक, तो आप जैसा चाहें डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। शेप के ऊपर भी जैसा चाहें आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं,
आप शेप के ऊपर जैसा चाहें डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब शेप के अंदर आपने, बहुत सारे बच्चों ने ब्लॉक्स के साथ खेला होगा, ठीक है, ब्लॉक्स होते हैं ठीक है हमारे पास, और उन ब्लॉक्स की मदद से हम क्या करते हैं, डिफरेंट हमारे पास राउंडेड होता है, स्क्वायर शेप का ब्लॉक होता है, सर्कल शेप का ब्लॉक होता है ठीक है, और डिफरेंट हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स की मदद से हम क्या करते हैं, कुछ हाउस बना लेते हैं, कुछ बच्चों ने बनाया भी होगा ब्लॉक्स की मदद से, कार वगैरह कुछ इस तरह से, बिल्डिंग वगैरह। तो वो सब काम हम क्या कर सकते हैं, शेप में भी कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं ठीक है, जिनकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। शेप किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, शेप का काम क्या है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। तो मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ और हम आ जाते हैं अपने न्यू डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, जिस तरह से हमने पिक्चर इंसर्ट की थी, शेप टेबल इंसर्ट किया था, इसी तरह से हम शेप को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, मैंने क्लिक किया शेप के ऊपर, तो ये मेरे पास डिफरेंट शेप्स आ रही हैं। लाइन सेक्शन हमारे पास आ रहा है, बेसिक शेप्स हमारे पास आ रही है, ब्लॉक एरो शेप्स हमारे पास आ रही है, इक्वेशन शेप्स हमारे पास आ रही है, फ्लो चार्ट हमारे पास आ रहा है, ये डिफरेंट हमारे पास क्या शेप्स आ रही हैं। अब इन शेप्स की मदद से, इनमें से हम कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें काम क्या करना है, मेन चीज़ क्या, काम क्या करना है। तो उस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, शेप को यूज़ कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, उस हिसाब से फिर शेप को यूज़ कर रहे होते हैं। शेप पे आया मैं, यहाँ पर आपके डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, लाइंस, मैं लाइंस पे आता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे माउस का जो कर्सल है वो प्लस के साइन में चेंज हो गया। अब जिस तरह से हमने पेंट में देखा था आपने कि हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते थे, तो जहाँ से लाइन आपने ड्रॉ करनी वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपने माउस को मूव कर देंगे ठीक है। तो ये आप जिस तरह से लाइन ड्रॉ करना चाहें आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक एडिशनल टैब अपेयर हो जाएगा फॉर्मेट के टैब से, ठीक है, आपके पास क्या होगा, फॉर्मेट के टैब से एडिशनल टैब अपेयर हो जाएगा। अब ये कब आपके पास होगा, जब आपके पास ये आउटलाइन के ऊपर आपने क्लिक किया होगा, लाइन के ऊपर क्लिक किया होगा। अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जो एडिशनल टैब है वो हाइड हो गया, जिस तरह से आपने पिक्चर में देखा था, जिस तरह से आपने टेबल में देखा था आपके पास एडिशनल टैब, इसी तरह से यहाँ पर भी वही काम है। जो आपके पास एडिशनल टैब होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो देन तब वो आपके पास अपेयर होते हैं। मैं अगेन आता हूँ इंसर्ट पे, शेप पे आता हूँ, शेप पे आने के बाद फिर मैंने लाइन ले ली। तो मुझे कोई बताएगा, मुझे अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए, अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये देखें थोड़ा सा अप डाउन हो रही है, तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मुझे स्ट्रेट लाइन लेने के लिए क्या करूंगा जी। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, हम इंसर्ट पे आते हैं शेप के ऊपर और लाइन पे मैंने क्लिक किया, मैं क्या करूँगा कीबोर्ड से शिफ्ट की होल्ड करके रखूँगा और लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। तो अब मेरे पास जो लाइन आएगी जिस तरह से आपने पेंट में देखा था वैसे ही यहाँ पर आपके पास आएगी, ये देखें 45 के एंगल से रोटेट होगी जिस तरह से आपको पेंट में बताया गया था, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास लाइन आ गई। ठीक है, ये देखिए अब इसी तरह से आपके डिफरेंट शेप्स आपके पास आ रही हैं ठीक है। कोई भी शेप आपने लेनी है, ये आपके पास एरो शेप आ रही है, आप एरो शेप पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास एरो शेप आ गई। कोई दूसरी शेप लेनी है, जो भी शेप लेनी है आप शेप ले सकते हैं, डिफरेंट नाम आपके पास आ रहे हैं, ये देखें एल्बो एरो ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपके पास आ रही है, ये देखें ठीक है। तो ये डिफरेंट शेप्स आपके सारी जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, तमाम शेप को सिलेक्ट कर लिया और डिलीट कर दिया, इंसर्ट पे आता हूँ, शेप पे आता हूँ और मेरे पास यहाँ पर ये शेप आ रही, कौन सी, रेक्टेंगल, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये देखें ओके। तो आपके पास जो बाय डिफॉल्ट कलर आएगा
बाय डिफॉल्ट जो जब भी आप शेप क्रिएट करेंगे तो आपके पास जो कलर आएगा वो ब्लू कलर आएगा। वो आपके पास कौन सा कलर आएगा? ब्लू कलर आएगा। तो अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो सर्कल्स आ रहे हैं इसकी मदद मतलब से हम क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा हमें इन सर्कल का क्या काम है? इन सर्कल का क्या काम है जी? इन सर्कल्स का क्या काम है? बिल्कुल सही कहा आपने, साइज। यहां से हम क्या कर सकते हैं? साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकली करना है आप वर्टिकली कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल करना है आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने अब पेंट के अंदर बहुत आपको डिटेल्स के अंदर बताई थी और आप समझ भी चुके हैं इन चीज़ों को। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास वर्किंग एरिया आ रहा है, ये हमने हॉरिजॉन्टल करना है पेज के साइज़ को। इसी तरह से शेप जहाँ पर ये आपके डॉट्स बने हुए आ रहे हैं, ये अगर आपने बहुत साइड दोनों को करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो आप ये कॉर्नर से करते। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही सब चीज़ें हैं, ये देखें, ठीक है। अच्छा, ऊपर ये आपका सर्कल जो आ रहा है, ऊपर ये जो आपका सर्कल आ रहा है इसका क्या काम है जी? ये जो ऊपर आपका सर्कल आ रहा है इसका क्या काम है? जी मुझे कोई बताएगा ये जो ऊपर आपका सर्कल आ रहा है इसका क्या काम है? तो बिल्कुल यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं, साइज इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है आप कर सकते हैं। अब जिस तरह से आपने देखा था पेंट के अंदर, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप थी, स्क्वायर शेप नहीं थी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? शिफ्ट की। रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते थे? कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके ड्रैग करते थे, तो हमारे पास स्क्वायर शेप ड्रॉ हो जाती थी, ये देखें। इसी तरह से यहाँ पर भी वही काम है, इंसर्ट पे आते हैं, शेप पे आते हैं, शेप पे आने के बाद यहाँ पर मेरे पास क्या ओवल आ रहा है, ठीक है, ओवल आ रहा है। सर्कल यहाँ पर भी नहीं है, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा जी? ये हमारे पास ओवल आ गया, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा जी? सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा? बिल्कुल शिफ्ट की, हम ओवल शेप लेंगे और शिफ्ट की से उसको क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये देखें। तो ये सब चीजें, ठीक है, जिस तरह से आपने पेंट के ऊपर शेप्स के साथ काम किया था बिल्कुल वैसे ही है, उससे अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव होंगे तो इम्प्रूवमेंट आएंगी, ठीक है, क्योंकि चीजें थोड़ी सी एडवांस होती रहेंगी और आपको वो तमाम चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। जिस तरह से हमने पेंट पे काम किया था तो उससे थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और बहुत चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा होंगी जो आपने पेंट में नहीं पढ़ी, बट यहाँ पर वो चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। जो काम आपने पेंट पे किया था वो सब काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, वो सब काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। शेप इंसर्ट करना आपने देख लिया, सर्कल किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने देख ली। बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई शेप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो कलर आएगा वो क्या आएगा? ब्लू आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा इन सब शेप को मैंने क्या किया? डिलीट कर दिया, इंसर्ट पे आया, शेप पे आया, और शेप पे आने के बाद मैंने यहाँ से एक शेप ले ली, ये देखें, और इसी तरह से मैं अगेन इंसर्ट शेप पे आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ। अच्छा जी, मुझे बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंट है? चलो डिलीट करता हूँ, मैं स्क्वायर ले लेता हूँ ताकि आप मुझे बता सको। जी
जी, इन दोनों शेप्स में क्या डिफरेंट है? इन दोनों शेप्स में क्या डिफरेंट नजर आ रहा है? कुछ एक्स्ट्रा चीज नजर आ रही है आपको दोनों शेप्स में? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों में डिफरेंट क्या है? एक तो राउंडेड आप कह रहे हैं, ठीक है, इसके कॉर्नर जो हैं वो राउंडेड है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर तमाम डॉट्स अगर आप देखें तो आपके पास वाइट्स आ रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा डॉट आ रहा है येलो कलर का। मेरे पास एक एक्स्ट्रा डॉट आ रहा है येलो कलर का। अब जिस शेप के ऊपर आपके पास येलो कलर का डॉट शो हो तो इट्स मीन्स कि उस शेप को क्या कर सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कोई आप शेप ड्रॉ करते हैं और उस शेप के ऊपर आपके पास येलो कलर का डॉट आ रहा है तो इट्स मीन्स कि उस शेप को आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं? या तो आप उसको वर्टिकली मूव कर सकते हैं, उस येलो कलर का जो डॉट्स है, पॉइंट्स है, उसको आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकली मूव कर सकते हैं, या तो आप हॉरिजॉन्टली आप मूव कर सकते हैं। आप उसको अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते, उसको आप अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। उसको अगर आपने मूव करना है तो या तो आप वर्टिकली मूव करेंगे या तो आप उसको हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये शेप आपके पास आ रही है, इस शेप की वजह से मैं देखो क्या बना सकता हूँ। इस शेप की मदद से मैंने इसको ये सेम शेप बना दी और इस शेप की मदद से मैं इसको एक और चीज़ भी बना सकता हूँ। ठीक है, क्या बना सकता हूँ? ये देखिए, मैंने इसको सर्कल बना दिया। समझ में आया? ये देख, ठीक है। अब शेप का कलर आपने चेंज करना है, आप शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। आपके डिफरेंट शेप्स आ रही हैं यहाँ पर, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। कुछ ऐसी शेप्स आएंगी जहाँ पर आपका टू डॉट्स आ रहे होंगे येलो के। ये देखें, इसका साइज थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। कलर चेंज करना है किसी भी शेप का, आप उस शेप को सिलेक्ट करेंगे, शेप फिल में जाएंगे और कलर उसका चेंज कर देंगे। ये देखें, शेप का कलर चेंज करना है, शेप का कलर चेंज कर दें। शेप जो भी आपने शेप लेनी है, यहाँ पर डिफरेंट शेप्स आपके पास आ रही हैं, वो आप शेप ले सकते हैं। जैसे कि आपका ये फेस होता है, ठीक है, क्लास लेने से पहले जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आपका फेस ऐसा हो जाता है। मीन्स कि जब मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता तो मैसेज करते वक्त आपका फेस ऐसा होता है, जब मेरा रिप्लाई नहीं आता तो आपका फेस इस तरह से हो जाता है। तो जहाँ पर येलो कलर का डॉट आ रहा है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो वर्टिकली कर सकते हैं या तो आप उसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा नहीं कर सकते। कुछ ऐसी शेप्स होंगी जहाँ पर आपके पास टू डॉट्स आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ। अब इसकी मदद से आप जो येलो कलर डॉट आ रहा है, ये देखें, आप यहाँ पर ये शेप भी आ रही है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से ये काम करते हैं। देखें, जब मैंने ये बनाया होगा और किसी को मैं पीडीएफ में सेंड करूँगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये मैंने किस पे किसके थ्रू मैंने बनाया ये काम। ये देखें, ठीक है, उसको नहीं पता चलेगा कि ये मैंने काम किस तरह से किया। ये देखें, दोनों शेप्स आपकी सेम हो गई। ये देखें, बट
इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये देखिए, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको कुछ भी हम कर सकते हैं। ये देखें, तो ये डिफरेंट आपके पास शेप्स हैं जिनको जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जैसा चाहें काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तमाम चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसको हम मजीद आगे डिटेल्स में देखेंगे किस तरह से हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, शेप के साथ। बट थोड़ा सा आपको बताया गया है ताकि आपने जो पेंट पे काम किया है तो वो आप क्या करेंगे, वर्ड के ऊपर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि आपको कितना समझ में आया। इसको हम मजीद डिटेल्स में देखेंगे कि टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, इसको अलाइन करना है, अलाइन किस तरह से कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर बाकी हैं जो हम आगे क्या देखेंगे। तो आई होप आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।